सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कोई आपको प्रेम करता है तो ये आपका भाग्य है, और कोई आपको समझ सकता है तो ये आपका सौभाग्य है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पे नहीं मिलते। जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते जो एहसानों से नहीं एहसासों से बने होते हैं। आज का पंचांग 31 मार्च 2020 दिन मंगलवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, सुबह 3:50 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र शाम 6:44 तक विराजमान रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 3:09 से 4:40 तक रहेगा। आज का बिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:41 से 12:29 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर सुबह 6:05 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। वृश्चिक राशि 31 मार्च 2020 दिन मंगलवार, यह तो आप देख ही चुके हैं कि आकस्मिक प्रवृत्ति पर आधारित फैसले कई बार सही साबित नहीं हुए हैं, इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने फैसले तर्क की कसौटी पर कसकर ही करें। ऐसा करना और भी जरूरी है क्योंकि कोई ऐसा जो आपका करीबी होते हुए भी आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, अगर एक बार आप सोच समझकर कोई फैसला ले लें तो उसे कार्यान्वित करने में हिचकिचाएं नहीं। परिजनों के सहयोग से आप घर का कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। यदि इस समय आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो घर वाले आपकी सबसे पहले मदद करेंगे। घर वालों के साथ आपका लगाव बढ़ेगा। बाहर नौकरी करते हैं तो घर का मुंह आपको कुछ और दिनों तक रोक सकती है। आज के दिन आपके लिए शुभ व अशुभ दोनों तरह के फल देने वाला रह सकता है। पुराने बिछड़े हुए रिश्ते में सुधार होगा। नए रिश्तों का आरंभ होने के आसार हैं। किसी नए रोमांटिक रिश्ते का आगाज होगा जिसके चलते मन में खुशी बनी रहेगी। कामकाज को लेकर थोड़ा फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने धैर्य और कुशलता का प्रयोग करें। यदि कोई काम नहीं चल रहा हो तो उसे नए नजरिए से देखने की कोशिश करें। सावधानियां, आज अब घर से बाहर घूमने की कोशिश बिल्कुल ना करें, इससे आपको ही परेशानी हो सकती है भविष्य में। अगर आप किसी परिस्थिति से घबराकर भागेंगे तो लव लाइफ की बात करें तो आपको और आपके पार्टनर को एक साथ अच्छा समय बिताते हुए काफी समय बीत गया है। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद अपने पार्टनर के लिए कुछ समय निकालें। अपने पार्टनर के लिए कुछ उपहार या कोई काम आने वाली चीज भी खरीद सकते हैं, इससे उन्हें आपके प्यार और देखभाल का अंदाजा भी हो जाएगा। करियर की बात करें तो इस समय आपके खर्चे पिछले दिनों की अपेक्षा बढ़ने वाली है। आर्थिक प्रबंधन से आप इन खर्चों पर काबू पा सकते हैं। इस समय आपका आर्थिक पक्ष भी ऊपर नीचे होता रहेगा। इन दिनों आप पैसे कम खर्च करें और भविष्य के लिए बचा कर रखें। लव लाइफ की बात करें तो आपको और आपके पार्टनर को एक साथ अच्छा समय बिताए हुए काफी समय बीत गया है। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद अपने पार्टनर के लिए कुछ समय निकालें। अपने पार्टनर के लिए कुछ उपहार या कोई काम आने वाली चीज भी खरीद सकते हैं, इससे उन्हें आपके प्यार और देखभाल का अंदाजा भी हो जाएगा। करियर की बात करें तो आपके करियर में आपको बहुत दिक्कतें होंगी। आर्थिक हालात असंतुलित हो सकते हैं, ध्यान रखें। ऋण लेने की भी नौबत आ सकती है, इसलिए इन दिनों आप ज्यादा खर्चा न करें जो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। सेहत की बात करें तो आप काफी ऊर्जान्वित महसूस हो रहे हैं।
यह सब आपके नियमित व्यायाम करने तथा संतुलित भोजन का परिणाम है, जिसका पालन आप लंबे समय से करते आ रहे हैं। इसे बनाए रखें, अगर संभव हो तो अपनी स्वास्थ्य की जांच भी करा लें। जो पेशे से स्वस्थ प्रतिक्षण हैं, उनके लिए करियर में बहुत कुछ अच्छा समय है। आप अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखें, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आज का उपाय, आज आप गरीबों को गेहूं का दान करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।